नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति भंडूला। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी के जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए आजमगढ़ में सेवा सप्ताह का आयोजन हुआ। सेवा सप्ताह के तहत 70 गरीब असहाय लोगों के आंखों की जांच करते हुए भाजपा पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने चश्मा वितरण किया। जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने कहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय पीएम गरीब वंचित दलित आदिवासी और किसानों के मसीहा हैं। वही कार्यक्रम में भाजपा पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष सहित कई बड़े नेता शामिल रहे हुए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर सेवा सप्ताह का आयोजन पूरे देश में चल रहा है। उसी के अंतर्गत हमारे आजमगढ़ जनपद में कल 14 तारीख को रक्तदान का कार्यक्रम हुआ। उसी के साथ साथ आज 70 गरीब भाइयों को चश्मा वितरण का कार्यक्रम है। उसी के साथ साथ कल 16 तारीख को जो है अपने सफाई अभियान का कार्यक्रम है। इसके बाद फल वितरण का कार्यक्रम है। इसके बाद पेड़ लगाने का कार्यक्रम है। ये सब तमाम कार्यक्रम का आयोजन एक सप्ताह तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की है। पीएम के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत फरुखाबाद में रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों को 10,000 का लोन दिया जा रहा है। नगर पालिका में एक प्राइवेट कंपनी की ओर से 10,000 लोन का फॉर्म जमा किया जा रहा है, लेकिन फॉर्म जमा करने में काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया। देखिए, इस समय जो है पीएम स्वनिधि योजना के तहत यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का कार्य कराया जा रहा है, और वह ऑनलाइन आवेदन जो हमारे सड़क पटरी के दुकानदार हैं उन्हीं के लिए कराया जा रहा है। तो ये जो खबर वायरल हो रही है या लोग जो फोटो खींच के डाल रहे हैं, आपने मौके पे देखा होगा 5 कंप्यूटर हाल में लगे हुए हैं। 2 कंप्यूटर यहाँ हमारे बगल वाले कमरे में लगे हुए हैं, 1 काउंटर बगल वाले कमरे में। हमने दूर दूर इसलिए कर रखा है कि लोगों की गैदरिंग एक साथ एक जगह ना हो। उसके बाद में भी क्योंकि पब्लिक जल्दी काम कराने के चक्कर में वो दूर दूर खड़ा ना होकर के आपस में चिपक जा रही है, इसको हम अपने रेवेन्यू इंस्पेक्टर और अपने बाबुओं को लगा करके उनको बार बार समझाने का काम कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में बॉलीवुड कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। रामलीला का प्रसारण सोशल मीडिया के जरिए किया जाएगा। इस संबंध में मेरी माँ फाउंडेशन के आयोजक अयोध्या पहुंचे। रामलीला के भव्य आयोजन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 17 से 25 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें देश भर से छोटे बड़े कई कलाकार शामिल होने वाले हैं। ये जी 17 अक्टूबर से पहला दिन है, जिसमें पहले दिन असरानी जी नारायण मुनि की भूमिका में नजर आएंगे आपको, और रवि किशन जी भरत की भूमिका में नज़र आएंगे आपको, और मनोज तिवारी जी अंगद की भूमिका में नज़र आएंगे आपको, और रजा मुराद जी हई रावण की, और शहबाज खान आपको रावण की भूमिका में नज़र आएंगे। राकेश बेदी, राजेश पुरी जी, अवतार गिल जी, कई फिल्म स्टार्स इसमें काम कर रहे हैं, और सीता की भूमिका में कविता जोशी है, और राम की भूमिका में सोनू रागर है। देखिए, हमारे दिल की इच्छा है कि हमें महाराज योगी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो, और उससे बढ़ के तो हमारे लिए कोई है नहीं। अब मोदी जी आ जाएं तो और अच्छा हो जाएगा हमारा। बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुखबिर की सूचना पर फैजगंज बहेटा थाना पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा और 2 लुटेरों को धर दबोचा, लेकिन आरोपियों का मास्टरमाइंड भागने में कामयाब रहा। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्त जिले भर में सड़क चलते लोगों को निशाना बनाते थे और उनसे लूट किया करते थे। वहीं पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों से भारी मात्रा में नकदी और कीमती जेवरात बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी लुटेरों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में, जिसमें थाना फैजगंज बेटा और थाना दातागंज में लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें 3 अज्ञात लुटेरों द्वारा मोटरसाइकिल पर एक ही मोटर सुपरंडाई के तहत जो दंपत्ति जा रहे थे उनको मोटरसाइकिल को पैर मार के गिराया और उन पर तमंचा दिखाते हुए उनसे लूट की घटना की गई, जिसमें कुछ आभूषण, पैसे और मोबाइल गए थे। इन दोनों घटनाओं के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें कि थाना फैजगंज बेटा और एसओजी की टीम को लगाया गया था।
और उसी के तहत मुखबिरी की सूचना पर इसमें पुलिस ने एक बार की दबिश देकर के गिरफ्तारी की, जिसमें कि दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए और एक व्यक्ति भाग गया। बुलंदशहर में 72 दिन बाद रेप पीड़िता को न्याय मिल पाया। डिबाई कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग के साथ रेप हुआ था। रेप के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया था और आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस लगाया गया था। पोक्सो कोर्ट ने सुनवाई के समय आरोपी पर सजा के साथ 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। थाना डिबाई क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई। बहुत जघन्य घटना थी और हम लोगों ने इस पूरी घटना को एक चुनौती के रूप में लिया। 12 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 3 जुलाई को, मैंने 25 जून की घटना थी, 3 जुलाई को इसमें आरोप पत्र अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय भेज दिया गया। क्षेत्राधिकारी को विशेष रूप से लगाया गया, सुश्री वंदना शर्मा हैं क्षेत्राधिकारी डिबाई, उनको एक सूत्री टारगेट दिया गया कि किसी तरह 1 महीने के अंदर इसमें जजमेंट दिलाया जाए और अपराधी को सजा दिलाई जाए। कोरोना के प्रभाव के बीच फरुखाबाद में पहली बार 3 तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तहसील के गेट पर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही फरियादियों को अधिकारियों के पास जाने दिया गया। इस दौरान कुल 216 फरियादियों में सिर्फ 25 लोगों की परेशानी का ही समाधान मौके पर हो पाया। कुल 5 समस्याएं आई हैं, जिसमें से 7 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। और जो ज़्यादातर समस्याएं हैं वो या तो रेवेन्यू डिस्प्यूट से हैं, या कोई चक्रोड सी से संबंधित समस्या है, कोई मेड़बंदी संबंधित समस्या है, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं वो अपनी निजी कृषि की पैमाइश करवाना चाहते हैं या आबादी भूमि की पैमाइश करवाना चाहते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में सीधा नहीं है। तो हमने कृषि भूमि वालों को कह दिया कि धारा 24 के अंतर्गत आए और आबादी भूमि के अंतर्गत जो भी आ रहा है वो सिविल कोर्ट के थ्रू। जलौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कार बुकिंग कर लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से लूट की गाड़ी, 2 देसी तमंचा, कारतूस और नशीला पदार्थ बरामद किया है। SP ने बताया कि आरोपी चोरी की गई कारें कानपुर में कबाड़ी को बेचते थे। वहीं आरोपी का एक साथी भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इन सभी का लूट चोरी का लंबा आपराधिक इतिहास भी रह चुका है। ये थाना कोतवाली SOG और सर्विलांस की टीम ने एक गैंग को पकड़ा है, जो गाड़ी बुक करा के लाता है और ड्राइवर को नशे की गोली खिलाकर सड़क पे कहीं फेंक देता है और गाड़ी को लूट की गाड़ी को आगे सस्ते दामों में किसी कबाड़ी को इत्यादि को बेच देता है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, शकील, नमो नारायण और मोहन। इनके ऊपर कानपुर देहात, कानपुर नगर के और भी आपराधिक मामले इन लोगों के ऊपर दर्ज हैं। गाड़ी जो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो लूट हुई थी 9 तारीख को, लगभग 50-55 साल के आदमी थे इकबाल नाम के, जिनके साथ में घटना हुई थी। वो गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जो हथियारों का इन्होंने प्रयोग किया था उसे डराने धमकाने के लिए, वो हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। चेकिंग में पुलिस लगी थी, उरई पुलिस, उसी दौरान गाड़ी आती हुई दिखाई दी, इसे रुकने का इशारा किया, इन लोगों ने जो है भागने की कोशिश करी। पुलिस की मुठभेड़ इसमें हुई है अभनारी में और 3 लोग गिरफ्तार हुए, 3 लोग गिरफ्तार हुए। कासगंज के पटियाली में SDM और SSP की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। इस मौके पर 7 अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिनसे SDM ने स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही तहसील दिवस में शिकायतकर्ताओं की कोविड जांच में कुल 2 शिकायतकर्ता कोरोना पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव पाए गए लोगों को तत्काल आइसोलेट कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जवाब आने के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत के माधो टांडा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक किसान परिवार लापता हो गया था। किसान के लापता होने के बाद प्रधान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो उन्होंने किसान के शव को बरामद कर लिया। हत्या का मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और बेटे को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद पुलिस हिरासत में दोनों आरोपियों ने अपने जुर्म कबूल कर लिए हैं। देखिए, ये पूरा प्रकरण जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया तो शुरुआत इसकी यहाँ से हुई थी कि ये 5 व्यक्तियों का परिवार, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे थे, और अचानक दूसरे दिन पता लगता है कि परिवार में कोई सदस्य घर पे मौजूद नहीं है। तो हम लोगों ने आसपास लोगों से पूछताछ शुरू किया, गन्ने का खेत छाना, फिर थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं ऐसा लगता है कि कुछ इसमें फाउल प्ले है। हम लोगों ने के भूसे के ढेर को, घर को, गन्ने के खेत को, धान के खेत को थारूली चेक किया, जहाँ कहीं भी जमीन खुदाई थी वहाँ भी चेक कर रहे थे। उसी में ये डेड बॉडी बरामद हो गई रामतवार। और जब डेड बॉडी बरामद हुई तो हम लोगों ने और ढेर सारे लोगों से पास पूछताछ की तो पता चला कि पत्नी बिहार की रहने वाली है और वो बच्चों के साथ यहाँ से फरार।
लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के शहीद पथ पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान हादसे में कार सवार 3 लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकले। मौजूदा लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस घटना के चलते शहीद पथ पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया था।